लेक्चर एक जीओसी का जो लेक्चर एक आप देखे उसमें आपने कुछ हिस्टोरिकल बिंदु को देखा, कुछ ऐतिहासिक पॉइंट को देखा। तो कल का लेक्चर का जो मुख्य टर्म था यानी पिछले क्लास का, वो क्या था? तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने मूल रूप से पढ़ा जीवन शक्ति सिद्धांत। ठीक है, जीवन शक्ति सिद्धांत को हमने देखा। जीवन शक्ति सिद्धांत को किसने दिया था? वर्जीलियस ने दिया था। क्या था जीवन शक्ति सिद्धांत? ये अगर आपका छूट गया है तो YouTube पर वीडियो है, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब रही बात कि इस जीवन शक्ति सिद्धांत को फिर गलत साबित किया गया, यानी जीवन शक्ति सिद्धांत में फिर क्या आया? फेल डाउन आया, दोष आया। तो जीवन शक्ति सिद्धांत गलत साबित होने लगे। जीवन शक्ति सिद्धांत को गलत साबित किसने किया? तो सबसे पहले वोहलर ने किया था। वोहलर ने प्रयोगशाला में क्या बनाया था? यहाँ तक की व्याख्या हो चुकी है। ठीक है, फिर दूसरा आपने क्या डिस्कस किया? दूसरा आपने डिस्कस किया, सेकेंड नंबर पॉइंट्स आपने पाया कि हरमन कोलबे नाम के एक साइंटिस्ट ने, हरमन कोलबे ने भी प्रयोगशाला में दूसरा कार्बनिक यौगिक बनाया जिसका नाम क्या था? एसिटिक अम्ल था। यहाँ तक की व्याख्या हो चुकी थी। आज की क्लास में हम आप लोग तीसरा कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाएंगे जिसको बर्थलोट ने बनाया है। तो ये पिछले क्लास का टर्म्स था, पिछले क्लास में आपने इसे डिस्कस किया, हिस्टोरिकल पॉइंट्स में इसे जाना। धीरे धीरे करके आप हिस्ट्री से निकल कर मॉडर्न में आएंगे और मॉडर्न में आकर चीज़ें सीखना स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक के अंदर बॉन्ड अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक का बेस का जो सबसे बेस करी है वो है स्ट्रक्चर। अगर आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीख गए, बॉन्ड अरेंजमेंट सीख गए, तो पूरा ऑर्गेनिक आपका है, आप ऑर्गेनिक पर विजय पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि आपको बॉन्ड अरेंजमेंट आना चाहिए, बिल्कुल बेस वाली बात है। बॉन्ड अरेंजमेंट तब आएगा जब आपके पास संयोजकता का सही ज्ञान होगा, और संयोजकता आप दूसरा चैप्टर में पढ़े। बाकी बचा कुचा संयोजकता के बारे में, बॉन्ड के बारे में आपने केमिकल बॉन्ड्स एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नाम का एक चैप्टर पढ़ा, रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। उस चैप्टर में भी आपने आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड, उपसहसंयोजी बॉन्ड, सिंगलेंट बॉन्ड, ये सब जानकारी लिया। तो उन सब चीज़ों का उपयोग इस चैप्टर्स में होने हैं। तो चलिए हम आप लोग तीसरा पॉइंट लिखते हैं, लिखिए। तो नंबर थ्री, सन 1856 ईस्वी में वर्थलोट महोदय ने प्रयोगशाला में तीसरा कार्बनिक यौगिक मीथेन का निर्माण कर जीवन शक्ति सिद्धांत का क्या कर दिए? धज्जी उड़ा दिए। हाँ, जीवन शक्ति सिद्धांत को पूर्णतः गलत साबित कर दिए। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया। CH3COONa ये है सोडियम एसीटेट। सोडा लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो आगे चल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तब्दील हो जाता है। जैसे देखिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको अगर हम जल में घोल दें तो यह बना लेगा CaOH का होल ट्वाइस। इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड का जब जलीय विलयन आए तो समझिए वह क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। बुझा हुआ चूना भी इसी को कहते हैं। कौन सा चूना कहते हैं? बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। और इसमें जब हम कास्टिक सोडा मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं सर? कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा और कैल्शियम ऑक्साइड का जो जलीय विलयन है, एक्वाटिक फॉर्म है, इसी का नाम होता है सोडा लाइम। इसका नाम क्या होता है? सोडा लाइम नाम होता है। तो इस सोडा लाइम के साथ मिलाते हैं तो सोडा लाइम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इससे रिएक्ट, सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड इससे रिएक्ट करता है। किससे? सोडियम एसीटेट से। ये रहा आपका सोडियम एसीटेट
सोडियम एसीटेट। अभी देखो नामकरण का सिद्धांत आपको मालूम नहीं है तो अभी थोड़े बहुत नाम आपको ध्यान में रखने होंगे, जब नामकरण के प्रिंसिपल आपको मालूम हो जाएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सोडियम एसीटेट कास्टिक सोडा से रिएक्ट करके बना लेता है CH4 मेथेन, क्या बनाता है CH4। अब देखिए Na2 COO CO3 प्रोडक्ट बनाता है Na2 CO3, सोडियम कार्बोनेट निकल गया। तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या था, मीथेन बनाना था, मीथेन बनके कंप्लीट हो गया। और तब से लेकर आज तक में करोड़ों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बनाए जा चुके हैं, यानी जीवन शक्ति सिद्धांत का अब कोई महत्व आधुनिक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में रहा है क्या? बिल्कुल नहीं रहा। तो चलो सर इस इक्वेशन को आप नोट कर लो तो तेजी से। सोडा लाइम क्या है सर? तो कास्टिक सोडा एवं कैल्शियम ऑक्साइड के जलीय विलयन को क्या कहते हैं? सोडा लाइम कहते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH एवं कैल्शियम ऑक्साइड के जलीय विलयन को सोडा लाइम कहते हैं, के जलीय विलयन को सोडा लाइम कहते हैं। तो ये बेसिक है आपका। ऑर्गेनिक का एक नया दिशा तय हुआ, ऑर्गेनिक का नया दिशा तय क्या हुआ कि कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बन सकते हैं, इसे मानव बना सकता है। ये जो मिथ था कि यह केवल जीवित प्राणियों में दैविक शक्ति के अदृश्य क्रियाकलाप द्वारा बनता है, ये बात गलत था, ये बात सही नहीं था। और ये बात किस सिद्धांत का था? तो जीवन शक्ति सिद्धांत का था। तो जीवन शक्ति सिद्धांत का ये टर्म्स खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब बारी है ऑर्गेनिक को एक नया दिशा में ले जाने का। नया दिशा में ऑर्गेनिक को ले जाएंगे तो हाइड्रोकार्बन की सहायता से ले जाएंगे। अब रही बात कि कल जब आप ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे थे तो आपने पढ़ा कि दूसरा चैप्टर ही हाइड्रोकार्बन है, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्या जरूरी पड़ गया हाइड्रोकार्बन का? देखिए बिना हाइड्रोकार्बन के ऑर्गेनिक को समझा नहीं जा सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर डिटेल से हाइड्रोकार्बन अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लीजिए हाइड्रोकार्बन, लिखिए तो हाइड्रोजन एवं कार्बन के सम्मिलित रूप को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन अवेलेबल होते हैं, जैसे मीथेन CH4, बेंजीन C6H6, पेंटेन C5H12, इथीन C2H4। मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन हो उसी को हम आप लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल में आप देख रहे हैं आपका एग्जांपल एक मीथेन है, एक बेंजीन है, दूसरा पेंटेन है, तीसरा चौथा इथीन है। अब इस हाइड्रोकार्बन के तीन ग्रुप्स होते हैं जो बेसिक्स आप पहले से पढ़ते आए हैं। एक का नाम है एल्कीन, एल्केन और अल्काइन। तो एल्केन, अल्कीन और अल्काइन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है। अब ये कॉन्सेप्ट किस प्रकार से वर्क करता है इस पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना, यानी इन तीनों को दो कैटेगरी में बांट दिया गया, एक है संतृप्त, दूसरा है असंतृप्त। अब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखिए सीधे तौर पर समझिए, संतृप्त का मतलब जो संतुष्ट है, जो कैसा है, संतुष्ट व्यक्ति, मतलब जिसे और कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं उसे दुनियादारी से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, वो अपने आप से खुश है, उसको संतुष्ट कहते हैं। एक होता है असंतुष्ट, जिसे सब कुछ चाहिए, ऐसा चाहिए कि जितना कुछ सब लोगों के पास है वो उसी को दे दो, उसको हम कहेंगे असंतुष्ट। तो असंतृप्त का मतलब असंतुष्ट है और संतृप्त का मतलब संतुष्ट है। अब असंतृप्त किसको कहेंगे? जिसके पास लेने का जगह होगा वही ले सकता है, जिसके पास लेने का जगह नहीं हो क्या वो कभी ले सकता है? तो जिसके पास जगह नहीं होता है, जिसका मन संतुष्ट हो जाता है, उसको हम संतृप्त कहेंगे। अब लेने का जगह किसके पास नहीं है? एल्केन, अल्कीन और अल्काइन में। तो एल्केन के पास इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी एटम्स को लेने का कोई स्पेस नहीं बचता। अब क्यों नहीं बचता, वो यहाँ स्ट्रक्चर से पता चलने वाला है। तो हाइड्रोकार्बन को बेसिक टर्म में दो भाग में बांटेंगे, एडवांस में फिर अलग क्लासिफिकेशन होगा। अभी जो क्लासिफिकेशन होना है वो कैसा क्लासिफिकेशन है? बेसिक क्लासिफिकेशन है। सो लिखिए स्टार लगाकर या हैज लगाकर हाइड्रोकार्बन
मुख्यतः कितने प्रकार का? हाँ, दो प्रकार का होता है हाइड्रोकार्बन, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दो इसके कैटेगरी हैं, दो टाइप हैं। दोनों टाइप को हम आप लोग एक ही साथ डिस्कस कर लेंगे। हाइड्रोकार्बन एक होगा सर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो पूर्णतः संतुष्ट है, जिसे और कुछ भी नहीं चाहिए, और दूसरा होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एकमात्र एग्जाम्पल हैं एल्केन। एल्केन का सूत्र आप लिखते हैं CnH2n+2 वेयर एन इक्वल ग्रेटर देन 1। अब इसमें जो कंपाउंड्स बनता है वो ये बनता है, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं मेथेन का। मेथेन देखिए, कार्बन के चार संयोजकता होता है और वो चारों संयोजकता यहाँ पर क्या है? फुलफिल है। चारों संयोजकता क्या है? पूरा भरा हुआ, कुछ जुड़ने का जगह है। अच्छा, कोई बॉन्ड तोड़ दी तो कंडीशन बदल जाएगा। जैसे मानिए कि हम एक कम से कम दो कार्बन वाला कंपाउंड लेते हैं तो थोड़ा सा बात और क्लियर हो जाएगा। एक ये एग्जाम्पल हो गया, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दो कार्बन लेते हैं सर, ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और दो कार्बन। दो कार्बन लीजिएगा ना, तो देखिए दो कार्बन यहाँ पर रखिएगा C2, दो दुना चार दो छः। हाइड्रोजन हमेशा दो गुना से दो अधिक होगा, तो दो दुना चार दो छः, दो कार्बन और छः हाइड्रोजन। अब इसमें हम कुछ जोड़ना चाहते हैं, इसमें कुछ जोड़ेंगे तो कुछ तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि सभी कार्बन के कितने संयोजकता पूरे हैं? चार चार, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कहीं कुछ हम जोड़ नहीं सकते। अगर कोई बंधन तोड़ के जाना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि ये बंधन हम तोड़ दें, ये जो बॉन्ड यहाँ से हम तोड़ दें, तो क्या कंपाउंड तब दो टुकड़ा में बट जाएगा ना? क्या कंपाउंड इथेन रहा? नहीं रहा। ये कंपाउंड मूल कंपाउंड रहा? नहीं रहा। किसी को हम तोड़ नहीं सकते, पूरा नहीं तोड़ सकते, कुछ ना कुछ हिस्सा उसका लगा हुआ रहना चाहिए। अब आइए असंतृप्त में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपके पास दो प्रकार के हैं, एक है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। एक एल्कीन, दूसरा एल्काइन। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, n इक्वल ग्रेटर देन 2, और अल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, n इक्वल ग्रेटर देन 2। देखिए ये ना मैथमेटिक्स का AP फॉर्म है। देखो +2, 0, -2, +2, 0, -2, दो दो का अंतर होता है ना, दो दो के अंतर को आप क्या कहते हो, या फिर जिसमें दो नंबर्स के बीच, या एक सीरीज है जिस सीरीज में नंबर्स के बीच का डिफरेंट सेम हो, उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप कहते हैं ना, AP कहते हैं ना। तो ये AP के फॉर्म में कंपाउंड है, एल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, अब इसको देख लो सर, एक फॉर्मूला बना लो C2H4। जरा ध्यान से सोचो, इसके दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड्स है। अब इसमें हम कुछ जोड़ना चाहें ना तो जोड़ सकते हैं, कुछ जोड़ना चाहें तो क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। कहोगे कहाँ जोड़ सकते हैं सर, बैलेंस ही तो पूरा। देखिए अगर हम कुछ जोड़ना चाहें तो ये बॉन्ड हम हटा दें, क्या यौगिक खत्म हुआ पूरा? अगर यहाँ पर ये बॉन्ड हम हटा देते तो यौगिक खत्म हो जाता ना, यानी यहाँ यौगिक खत्म है, यहाँ यौगिक खत्म नहीं है। बस यही रीजन है जिसमें हम बॉन्ड रिड्यूस कर सकते हैं, बॉन्ड को घटा सकते हैं, बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, और के बावजूद यौगिक का स्टेबिलिटी समाप्त ना हो, वो सारे के सारे क्या होंगे? असंतृप्त। तो सीधे तौर पर समझिए कि जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड है, जिसमें केवल कौन सा बॉन्ड है, उसमें हम अलग से कुछ जोड़ नहीं सकते, और जिसमें अलग से कुछ नहीं जोड़ सकते वो क्या होगा? और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसमें हम बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को तोड़कर सिंगल में ला सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर डबल या सिंगल में ला सकते हैं। यानी बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो वैलेंसी अनफिल होगा, उसमें हम कुछ जोड़ सकते हैं। यानी जिसमें हम कुछ जोड़ सकते हैं वह कैसा है? असंतृप्त है, असंतुष्ट। अरे ऐसे समझ, सिंपल सी बात, अभी मस्त सीजन है, पूरा अच्छा से समझ। भोज खाने जाते हो ना? ठीक है, मतलब भोज का नाम लिए नहीं कि सब खुश हो गया। अरे हम भोज नहीं खिलाने वाले, बस बतलाने वाले। ठीक, अच्छा गलती से पता चल जाए कि उस भोज में जो है स्पंज नहीं है, तो फिर आप सारा कंसंट्रेशन उससे पहले वाले खाना पर करते हैं। अच्छा पता चल जाए स्पंज है, उसमें भी जितना मर्जी उतना है, तो फिर कंसंट्रेशन आपका खाना पर कम रहता है और इंतजार रहता है उसका आने का, जो बहुत लोग उसके शौकीन होते हैं। ठीक है, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है, मैं इसे भी नहीं खाता, तो बहुत लोग उसके शौकीन होते हैं, वो इंतजार करते हैं। अब मान लो कि आप एक भोज में गए हो, आपको शुरू में पता चल जाए कि देखो जो खाना पहले खा लो, अंत में स्पंज वस्पंज का कोई व्यवस्था नहीं है, और ऐसा किसने कहा? आपका वैसन का दोस्त, देखो उधर, ठीक है, उसने कहा दिया कि देखो पहले खा लो स्पंज नहीं है, बाद में पता चला कि जब आपने भर के खा लिया कि स्पंज है,
आप पहले क्या करोगे, उसको कूटोगे या कुछ जुगाड़ लगाओगे? नहीं नहीं पहले जुगाड़ लगाओगे ना, थोड़ा बहुत चलो टहल लेते हैं ठीक है, और उसके बाद फिर आकर आप स्पंज पर फोकस करते हो ना। मतलब जब आप एक बार भरपेट खा लेते हैं तो आप संतुष्ट हो चुके हैं, फिर खाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो आप नहीं खा सकते ना, बिल्कुल नहीं खा सकते। शरबत बनाए हैं ना, यानी जब आप नहीं खा सकते तब आप संतृप्त हो गए, जब आप खा सकते हैं तब आप क्या है, असंतृप्त। दे दनादन दिए जा रहे हैं मतलब आप असंतृप्त हैं ठीक है, और संतृप्त हो गए तो नहीं खा सकते। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब आप नहीं खा सकते के बावजूद लोग बहुत फोर्स करते तो थोड़ा बहुत आप खा लेते, तब थोड़ा बहुत खाने के बाद अब कोई कितनों फोर्स कर ले फिर आप खाने वाले आप नहीं हो, तब कैसा हो चुका आप, अति संतृप्त। कैसा संतृप्त? तो इसमें अति संतृप्त नहीं है, वो बिलियन के फॉर्म में जब जाइएगा ना तब पढ़िएगा। हालांकि पहला चैप्टर में आप पढ़े भी थे संतृप्त बिलियन, असंतृप्त बिलियन, अति संतृप्त बिलियन ठीक है। तो सुपर सेचुरेटेड में चला जाएगा, अति संतृप्त में चला जाएगा। तो इसमें आप बॉन्ड तोड़ सकते हैं सर, बॉन्ड तोड़ सकते हैं ना, तो ये कैसा हो जाएगा, असंतृप्त। जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया वो सब कैसा, असंतृप्त। जिसमें केवल और केवल कौन सा बॉन्ड, सिंगल, वो कैसा, संतृप्त। तो कोई भी कंपाउंड संतृप्त है कि असंतृप्त है ये हम कैसे बता सकते हैं, बॉन्ड के सहायता से। किसके सहायता से? अगर सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो असंतृप्त। बहुत आसान काम है ना, बहुत बड़ा काम है ये क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल सा वर्क है सर। अब इसमें आ जाओ और इसके सिचुएशंस को डिस्कस करो, समझो। तो इसके एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे तो C2H2, कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं, C2H2, ये वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं। और इस वाला एग्जांपल को जब लेंगे तो देखिए, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। भाई देखो यहाँ पर बॉन्ड तोड़ सकते हैं ना, बॉन्ड तोड़कर कुछ जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते? बिल्कुल जोड़ सकते हैं, मतलब ये क्या है, असंतृप्त है। तो एल्कीन और अल्काइन कैसा है, असंतृप्त है, जबकि एल्केन कैसा है, संतृप्त है। जरा हिंदी के बाद इसके इंग्लिश नाम का दर्शन कर लो, इसलिए कि ये बहुत आवश्यक है। देखिए अल्कएन, ए एन ई लगा है, अल्कइन, अल्क इन, ई एन ई लगा है, अल्क आयन, अल्क आयन, वाई एन ई लगा। तो आपको नहीं बुझा रहा है सभ्य में अल्क है, अल्क क्या है, सभ्य कॉमन है। इस अल्क को कहते क्या, अल्क होता क्या है भाई, अल्क होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु के लंबा श्रृंखला का नाम, किस श्रृंखला का नाम, हाँ कार्बन परमाणु के नाम को कौन सा नाम कहते हैं, अल्क नाम कहते हैं। उसको भी पढ़ेंगे एक एक, मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, मैं यहाँ तक कि आपको एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड खींच कर दिखाने वाला, बिल्कुल बेसिक से ऑर्गेनिक, जितना बेसिक में आप जा सकते हो, जितना बेसिक तक हम पहुँच सकते हो उतना बेसिक तक ले जाकर आपको ऑर्गेनिक सिखाएंगे। इसको नोट करिए, आपने देख लिया कि हाइड्रोकार्बन दो टाइप के हैं, संतृप्त और असंतृप्त। जो इस सूत्र का पालन करेगा CnH2n+2 का, वो कैसा होगा, संतृप्त। कैसा होगा, संतृप्त। और जो CnH2n का पालन करेगा या CnH2n-2 का पालन करेगा वो कैसा होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लो फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो तो सर, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। पहला ऑप्शन लेते हैं एक, दूसरा ऑप्शन लेते हैं बी, तीसरा ऑप्शन लेते हैं सी, और चौथा ऑप्शन लेते हैं। देखो ये सब लाइन का मतलब समझना, सिंगल बॉन्ड, और जहां से लाइन चालू हो रहा है वहां पर कार्बन होता है, जहां पर लाइन खत्म होता है वहां कार्बन होता है, जहां पर बराबर लाइन्स हो समझ लो वहां डबल बॉन्ड है। तो जिसमें डबल बॉन्ड होगा, जिसमें कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, वो कैसा नहीं होगा, संतृप्त नहीं होगा, मतलब वो क्या होगा, असंतृप्त होगा। यानी ये क्या है, असंतृप्त। अच्छा ये लाइन को कहते क्या है, ऑर्गेनिक मेशन का खूब मिलेगा, इस लाइन को कहते हैं जिगजैग लाइन। कौन सा लाइन, जिगजैग लाइन, टेढ़ी मेढ़ी रेखीय संरचना। कैसा संरचना, टेढ़ी मेढ़ी रेखीय संरचना, जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर। तो अब मुलाकात इसी से होगा हम आप लोगों का, इसलिए हमने जानबूझ के क्वेश्चन को इसी फॉर्म में लिखा है ठीक है। तो हेडिंग लीजिए, हेडिंग लीजिए, जिगजैग लाइन से पहले थोड़ा सा कुछ एक बेसिक जान लेते हैं ताकि बॉन्ड बनाने में हमें दिक्कत ना हो। लिखिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व, कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं उसका बंधन व्यवस्था, कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं उसका क्या, बंधन व्यवस्था। भाई कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट लेंगे और उसके बॉन्ड अरेंजमेंट मेथड ले लेंगे, बंधन व्यवस्था ले लेंगे कि बंधन कैसे करके व्यवस्थित होने वाला है। एक एक चीज बिल्कुल बेस से चलो।
तो सबसे पहला एलिमेंट्स जो हम आप लोग निर्धारित करने वाले हैं वह क्या होगा, तो वह होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना? एक। यानी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। अर्थात देखो ये हाइड्रोजन का LDS होता है, लुईस बिंदु संरचना होता है, ऐसे ही बनाते हो ना। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। यानी हाइड्रोजन के ज्यादा से ज्यादा क्या बॉन्ड बना सकता है? सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनाएगा? क्या डबल या ट्रिपल बना सकता है? अगर आप डबल बना देंगे तो क्या होगा? अच्छा, गलती से कभी भी एक लाइन खींच के H2 ऐसा भी नहीं लिख सकते, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑलवेज क्या लिखना है? ऐसे लिखना है, सिंगल बॉन्ड H, इसके सिवा और कुछ भी लिखेंगे तो गया काम से। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो क्या है? कार्बन है ना। कार्बनिक यौगिक में किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? तो कार्बन की। किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? एक मिनट के लिए हाइड्रोजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों की। जैसे क्वेश्चन आ जाए कार्बनिक यौगिक में किसकी उपस्थिति अनिवार्य है, ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो क्या टिक करोगे? कार्बन। लेकिन क्वेश्चन आएगा हाइड्रोकार्बन में किसकी उपस्थिति अनिवार्य है, तो हाइड्रोजन एवं कार्बन दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, इस बात का पूरा ख्याल रखना। कार्बन का परमाणु संख्या कितना? 6। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? दूसरा कक्षा में कितना? यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4 हो गया। मतलब कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ये चारों इलेक्ट्रॉन हमने डॉट डॉट करके दिखा दिया ना, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स डॉट डॉट करके दिखाए जा चुके हैं। इसका मतलब है, अब देखो कोई भी तत्व क्या पूरा करता है? अष्टक पूरा करता है। इसे पहला चैप्टर में आपने पढ़ा, बंधन बनते क्यों है? तो बंधन अस्थायित्व पूरा करने के लिए बनता है। किसको पूरा करने के लिए बनता है? और अस्थायित्व पूरा कैसे होता? अष्टक पूरा करके, या क्या पूरा करके? द्वियक पूरा करके, अष्टक या। तो हाइड्रोजन क्या पूरा करता है? द्वियक। कार्बन क्या पूरा करेगा? देखो एक्चुअल में परमाणु संख्या 5 तक, कितना तक? 5 परमाणु संख्या तक वाला तत्व द्वियक पूरा करता है, उसके बाद वाला सब कौन सी पूरा करता है? अष्टक पूरा करता है। तो ये अष्टक पूरा करेगा। अब ये 4 सिंगल बॉन्ड बना लेगा। 4 सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ भाई? 4 सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से समझो। देखो 1, 2, 3, 4, इसका 4 को क्या है, पहले से पूर्वजों ने दे रखा है, और 4 को ही कमाया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, और स्टेबल हो गया, अपने आप को बलशाली बना लिया, ताकतवर बना लिया। दूसरा देखते हैं, 1 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। देखो 4 को पहले से है ना, 4 को बॉन्ड जोड़ के किसी से लिया। अब तीसरा देखो, ये भी तो हो सकता है 2 गो डबल ए बॉन्ड बना ले ऐसे भी अपना, यानी 4 को लकीर पुनना चाहिए। क्या को लकीर पुनना चाहिए? कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा? ना तो 4 से अधिक, ना ही 4 से, अगर 4 से अधिक पुर गया तो क्या होगा? गलत होगा। 4 से कम पुर गया फिर भी क्या होगा? हमेशा कितना होना चाहिए? किसका 4 होना चाहिए? कार्बन का 4 होना चाहिए। अब चलिए और आगे देखिए, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। क्या इसके सिवा और कुछ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, यही पॉसिबिलिटी है। तीसरा एलिमेंट पर आ जाओ सर, तीसरा एलिमेंट क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना? 7। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7। 7 परमाणु संख्या मतलब 2 और 5। अब एक चीज बताओ मेरे को, नाइट्रोजन के पास आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है? और इसको क्या पूरा करना? अष्टक पूरा करना। तो ये क्या गो लेगा किसी से? मतलब ये ज्यादा से ज्यादा क्या गो सिंगल बॉन्ड बना सकता? 3 को क्या गो सिंगल बॉन्ड बना सकता? और एक सिंगल एक डबल या एक ट्रिपल बना के भी पूरा कर सकता है। तो नाइट्रोजन के बॉन्ड अरेंजमेंट जो होंगे वह 3 गो सिंगल हो सकता है, यानी ऐसे हो सकता है, या फिर कैसे हो सकता है? 1 गो डबल 1 गो सिंगल हो सकता है, या फिर कैसे हो सकता है? 1 गो ट्रिपल हो सकता है। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है नाइट्रोजन में? अगर इसके सिवा आपको कुछ भी दिखे तो समझ लीजिए क्या है, सरासर गलत है। आगे बढ़ते हैं और चौथा एलिमेंट की ओर चलते हैं। चौथा एलिमेंट हम आप लोग क्या सेलेक्ट करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। पहला कक्षा में कितना? दूसरका में कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरका में कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब इसके पास ऑलरेडी सर 6 गो इलेक्ट्रॉन है ही, इसको क्या गो चाहिए? यार 2 गो, मतलब या तो सिंगल या फिर डबल। क्या नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा? जबरदस्ती डालेंगे, गलती हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लिया ना, 6 3 कितने हो जाएगा? 9। अष्टक पूरा होता, नन्नक पूरा नहीं होता, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। तो ये रहा सिंगल बॉन्ड, और ये रहा कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। अष्टक पूरा ना, कंप्लीट। चलो देखते हैं अगला, अगला एलिमेंट है हाइलोजन। वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं? हाइलोजन तत्व। इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप जब इस वर्ग 17 को पढ़ रहे थे तो आपने देखा था सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखकर, सबके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 7 गो इलेक्ट्रॉन। मतलब 7 गो इलेक्ट्रॉन जब इस सबके आउटर सेल में है ही सर, तो और कितना कितना चाहिए? कितना कितना चाहिए? एक एक चाहिए। तो हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। फ्लोरीन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? क्लोरीन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ब्रोमीन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? और आयोडीन कौन सा बॉन्ड बनाएगा?
समझ में आ गई बात? अगर ये बॉन्डिंग अरेंजमेंट समझ में आ गया तो पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा। परसों के क्लास में हम आप लोग डिस्कस करेंगे जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर, टेढ़ी मेढ़ी रेखीय संरचना। अगर आप जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर सीखना चाहते हो ना तो आप इसको कंप्लीट करो। देखो सिंपल सी बात है कि बड़ी चीज़ों को एक बार पकड़ने के लिए जाओगे ना छूट जाएगा हाथ से, भाग जाएगा वो। पहले छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने का अभ्यास करो। जब छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने का अभ्यास आपका हो जाएगा तब उससे बड़ी चीज़ की ओर चलो। बिल्कुल यही है, ये बिल्कुल बेस है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स का नॉलेज नहीं रहेगा, समझ नहीं रहेगा, तो ना तो आपको ऑर्गेनिक में रिएक्शन आएगा ना ही स्ट्रक्चर आएगा। स्ट्रक्चर नहीं आया तो रिएक्शन आने का कोई बात ही नहीं होता। असली केमिस्ट्री अब चालू होता है जो ऑर्गेनिक में। आज के लिए बस इतना।